चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी जो लोग ज्वाइन करेंगे तो जब वीडियो अपलोड होगी पेज पे तो वो फिर देखेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन इसका जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं अभी के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर जो कि एडोबी का प्रोडक्ट है, जो कि वेक्टर डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ बेसिक टूल जो है इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया है, इसका इंटरफेस है ये। यहाँ पे जो है ये टूल बार है, इसको टूल बार कहते हैं, जिसमें सारे टूल जो है जिसपे हम काम करेंगे वो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आपको पैनल बार देखेगा जिसमें पैनल्स होते हैं, तो ये यहाँ पे आपका पैनल बार होता है। तो यहाँ पे एक लाइन में है, अभी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जब आप यहाँ पे दो एरो टाइप देख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आप जब आप क्लिक करते हो तो इसका जो है इस तरह का व्यू आपको, यानी ब्रॉड व्यू आपको दिखाई दे रहा होता है। तो इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी बार होता है, जो कि ऑप्शन बार भी आप इसे कह सकते हैं। जो टूल सिलेक्ट होता है इसका ऑप्शन जो है, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है मेन्यू बार है, इसमें सारे मेन्यू जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वर्क स्पेस जो है आप अपने मुताबिक जो है अपने एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे जिस तरह भी आपको चाहिए, एक्सपेंड चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इस तरह आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और इसको हम यहाँ से मैंने निकाला था, तो अगर हमने वापस लगाना है तो यहाँ से आप पकड़ के होल्ड रख के इस तरह यहाँ पे अपने साइड पे ले जाना। जब आपको ब्लू लाइन दिख जाएगी तो आपने यहाँ पे रिलीज कर देना है, तो ये वहाँ वहाँ पे स्टक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब आपको दो एरोस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक लाइन जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो है यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है। तो इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। मैं इसी तरह यूज करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे सारे टूल जो है वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब आप वर्क स्पेस में आते हैं तो यहाँ पे ये एसेंशियल है और डिफरेंट ऑप्शन है। पेंटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं लेआउट अपना, ड्रेसिंग के लिए आप अपना, यानी बाय डिफॉल्ट एक वर्क स्पेस आता है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम एसेंशियल पे काम करेंगे, उसके बाद आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये वाला वर्क स्पेसेस जो है ये हम कैसे, यानी किस नाम के लिए, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपका कोई वर्क स्पेस जो है वो आपसे थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पे निकाल लेते हो, यानी आप हर पैनल को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो डिफरेंट लोकेशन पे अपने आसानी के लिए। इसको मैंने निकाला और यहाँ पे जब आप दोबारा इसमें एडजस्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे होल्ड करना है, यानी पकड़ना है यहाँ से, और इसको यहाँ पे जिस पैनल बार में आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर का, सॉरी ब्लू कलर का जो लाइन आपको दिख रही है, तो यहाँ पे आप जोर दूर से तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह ये भी जहाँ पे मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ उस तरह मैं वहाँ पे रिलीज करूँगा। तो अगर यहाँ पे आपका स्पेस बार जो है आपसे थोड़ा सा, यानी यहाँ पे खराब हो जाए या कोई आप चेंजेस कर दो और फिर वापस आना चाहते हो अपने वर्क स्पेस पे, बाई डिफॉल्ट वर्क स्पेस पे, तो आपने यहाँ पे एसेंशियल में जाना है और यहाँ पे रिसेंट एसेंशियल में आपने क्लिक करना है। तो ये उसी तरह बाई डिफॉल्ट पे चला जाएगा जिस तरह पहले आपको जब सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो ये बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। और ये जो है ये वाला एरिया, इसे कहते हैं आर्ट बोर्ड, ये जो वाइट में जिसमें आप मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये इसे कहते हैं वाइट बोर्ड। आप मल्टीपल वाइट बोर्ड भी आप
आर्ट बोर्ड, सॉरी वाइट बोर्ड, वाइट कलर है, इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो ये मल्टीपल आर्ट बोर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी हम क्या करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से फाइल पे जाके आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये न्यू डॉक्यूमेंट्स के सारे प्रॉपर्टी आ जाएंगे, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे रिसेंट जो आपने यूज़ किया है, साइजेस जो कि मैंने ये यूज़ की है, वो सारे आपके पास यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे सेव, अगर आपने कोई अपने कस्टम साइज अपने लिए सेव किया है तो वो भी आप यहाँ पे साइज रख के सेव आपने करना है तो वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मोबाइल के लिए डिस्प्ले, अगर आपको कोई स्पेसिफिक मोबाइल के लिए कोई चीज़ बनानी हो, यूआई या यूएक्स डिज़ाइन करनी हो, तो वो यहाँ से आपको डिस्प्ले का साइज भी मिल जाता है। वेब के लिए कोई चीज़ बनानी हो, यहाँ से मिल जाएगा आपको। प्रिंट के लिए कोई चीज़ हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिल्म एंड वीडियो के लिए आपको ये स्क्रीन सारे आपको मेंशन है, साइजेस और आर्ट आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इसमें से कोई साइज आप नहीं लेना चाहते, कस्टम साइज लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से साइज अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम, यानी जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, जो आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट क्लास के नाम से, और यहाँ पे मैं इसका साइज जो है, मैं A4 आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हम फिलहाल जो है इंचेस पे काम कर देते हैं, इंचेस में कर लेते हैं। और यहाँ पे A4 का साइज हम, आप कस्टम भी ले सकते हैं, मैं ये साइज ले रहा हूँ। और ये ओरिएंटेशन है कि आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, तो ये दो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो आर्ट बोर्ड की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे वो ऑप्शन है आर्ट बोर्ड, यहाँ पे एक है। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैंने एक आर्ट बोर्ड लिया था, तो ये एक है आर्ट बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर लूँ, 4 मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकोगे। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है कुछ, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये किस लिए यूज होता है। तो फिलहाल मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 4 आर्ट बोर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास आ गए। ओके, तो यहाँ पे तो मैं इन दोनों को क्लोज कर लेता हूँ। तो जब आप ओपन करोगे अपने सॉफ्टवेयर को, तो वो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप दो तरह से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो न्यू डॉक्यूमेंट्स। वो ये है कि यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके और यहाँ से आप फाइल क्लिक करके आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी तरह सेम प्रोसीजर पे, यहाँ पे A4 मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेटिंग, बाकी यहाँ पे ओरिएंटेशन आप सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे आप आर्ट बोर्ड मैंने 4 सेलेक्ट किए थे, अब मैं 1 सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक आर्ट बोर्ड आ गया, तो इसी पे हम काम करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टूल सिलेक्शन टूल से। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन टूल है, बट बिफोर सिलेक्शन टूल हम पढ़ेंगे शेप टूल से, क्योंकि जब कोई शेप हम बनाएंगे तब उसको हम सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर सकेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक शेप ड्रा किया, यहाँ से मैंने शेप लिया जो कि एक शॉर्टकट की एम है। तो यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रा किया और सिलेक्शन टूल पे मैं, आप देख सकते हैं, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब इसका कलर जो है ये वाइट है, और जो स्ट्रोक कलर है, ये जो आउटलाइन होती है, ये ब्लैक है। अब यहाँ से कलर देख लो, यहाँ पे वाइट है फिल कलर, और स्ट्रोक कलर जो है वो यहाँ पे ब्लैक है। तो अब यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ, तो वो जब शेप सिलेक्ट होगा तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये कलर है,
अब यहाँ से हम सिलेक्शन टूल का क्या काम है, ये सिलेक्शन टूल है हमारे पास, इसका शॉर्टकट की वी है, तो वी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन टूल जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल से हम इसकी साइज वगैरह स्केल वगैरह कर सकते हैं इस पे, और इसको हम रोटेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो एंकर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो आपको ये एक रो जो एरो टाइप है, कर्व एरो दिखाई दे रहा होगा, तो इस पे आप पकड़ के यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप कॉर्नर पे आते हैं तब भी आपको रोटेट का ऑप्शन आपको ये दे रहा होता है, और यहाँ से आप शेप को किसी भी जगह से आप सेलेक्ट करके पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं अभी क्योंकि ये फिल कलर है, तो यहाँ से अगर हम फिल कलर खत्म कर दें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम अभी सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब फिल कलर नहीं है तो हम इसको यहाँ से पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए कभी कभार बंदे कंफ्यूज हो जाता है कि ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसका फिल कलर नहीं होता। तो आपने ये ख्याल रखना है कि फिल कलर जब होगा, ये मैं सिलेक्ट किया और फिल कलर यहाँ से फिल किया, तो ये यहाँ पे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो स्केल डाउन स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक शेप है, सिलेक्शन टूल का यूज किया है, अगर एक शेप है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक शेप रख दिया, अब इसको मैंने बड़ा करना है, लेकिन इसको मैंने बड़ा करना है प्रोपोर्शनली, इसका वेट और हाइट जो है ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी आप कॉर्नर से पकड़ के आपने शिफ्ट प्रेस करना है, तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा होता रहेगा, स्केल अप होगा। देखो मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, अब यहाँ पे मेरा आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको दिख जाएगा कि जब मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ तो यहाँ से पकड़ता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको ये प्रोपोर्शनली आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये जिस कॉर्नर से आप पकड़ते हैं ना, तो ये यहाँ से इस कॉर्नर पे छोटा होता जाता है। अब जब इस कॉर्नर पे आप पकड़ेंगे तो अब यहाँ से इस कॉर्नर पे ये स्केल डाउन हो रहा है, तो जब दरमियान से आप पकड़ते हैं तो ये इस सेंटर वाले पॉइंट से छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह आप ये यूज कर सकते हैं कि किस तरफ आपको स्केल डाउन स्केल अप करना है। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सेंटर से करना चाहता हूँ, सेंटर से बड़ा हो, यानी चार साइडेड पे ये चारों साइडों पे ये बड़ा हो जाए, तो उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने आर्ट को प्रेस रखना है, आर्ट को प्रेस रखना है, तो ये देख सकते हैं आप ये जो है सेंटर से छोटा बड़ा हो रहा है। इस तरह आप आर्ट को प्रेस रखते हुए शिफ्ट और आर्ट को, ताकि प्रोपोर्शनली भी बड़ा हो और सेंटर से भी बड़ा हो। अगर आप प्रोपोर्शनली बड़ा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से शिफ्ट को आप जब आप होल्ड रखेंगे और इस साइड से पकड़ेंगे तो ये देखो दोनों साइडेड जो है वो आप यानी एक दूसरे के करीब ला सकते हैं और दूर ला सकते हैं। इस तरह अगर यहाँ से आपने करना है दोनों साइडों को, एक एक डिस्टेंस पे वो बढ़ेगा और यहाँ से डिक्रीज भी होगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप यानी अलग अलग नहीं कर सकते और अलग अलग आपको पता नहीं चलता कि ये कितना छोटा है और ये कितना छोटा हमने किया है, तो इस तरह आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि आप इसको बराबर छोटा कर सकते हैं या बराबर बड़ा कर सकते हैं आर्ट को प्रेस रखते हुए। अब यहां से हम शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल मैंने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, और यहां से जब आप क्लिक करते हैं सिर्फ, तो ये आपको एक ऑप्शन दे देता है कि आप इसका वेट क्या रखना चाहते हैं और हाइट क्या रखना चाहते हैं।
तो आप इस तरह आप इसका विड्थ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 इंचेस विड्थ रख दिया, 5 इंचेस हाइट रख दिया, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर क्रिएट हो गया। और इस तरह आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं, और इस इनको आप मैंने इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब इसको आप दोनों को यानी किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकेंगे बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, राउंडेड रेक्टेंगल है, तो आप इसको ड्रैग करके आप बना सकते हैं, और इसको आप क्लिक करके उसी तरह आप साइज दे सकते हैं। अब यहाँ से कुछ और ऑप्शंस इसमें मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से ड्रैग करके ये बनाना चाह रहे हो और ये वाला पॉइंट जो है ये आप सेंटर रखना चाहते हो, तो आप आल्ट प्रेस रखेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ से आल्ट प्रेस रखेंगे तो ये उसी का सेंटर बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इस तरह का कोई भी आप शेप बना सकते हैं। और मैं दोबारा इसको आर्ट को इसका ड्रे करने के बाद आर्ट को प्रेस रखता हूँ और इस तरह का एक शेप बना लेता हूँ। और इसी तरह आप यहाँ से आर्ट प्रेस करके ये सेंटर से देखो, सेंटर जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो सेंटर बन गया है, और फिर हम इसके इसका इसके इर्द गिर्द जो है शेप बना सकते हैं। अब मैं V को प्रेस करूंगा, आप शॉर्टकट की याद रखें, बहुत फ़ायदा इसका होता है काम, यानी आप तेज़ी से कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट की। तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल जब मैं सेलेक्ट करूंगा और तो मैं V प्रेस करूंगा और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से बड़ा करूंगा, तो इस तरह का हम शेप बना सकते हैं। अब इसको मैं छोटा करूंगा तो यहाँ से, अब देखो यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो ये स्क्वीज हो रहा है। अगर हमें चाहिए कि ये इसी तरह प्रोपोर्शनल में छोटा रहे, छोटा करें हम, तो इसके साथ हम शिफ्ट प्रेस रखेंगे, और अगर सेंटर से करना है तो हम आर्ट को भी प्रेस रखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में छोटा होता जा रहा है। तो इस तरह आप शेप को ना स्केल अप स्केल डाउन और इसको रोटेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे शेप में डिफरेंट शेप हमारे पास है इलस्ट्रेटर में, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल है और एलिप्स हमारे पास है सर्कल। तो एलिप्स को आप देखो यहाँ से कोई भी शेप आप बना सकते हैं, अगर हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा, तो अगर शिफ्ट के बगैर हम कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, ओवल शेप बना लें, इस तरह का कोई भी आप शेप इससे बना सकते हैं। और हमारे पास यहाँ दूसरे भी पॉलीगन टूल है। अब इसका यहाँ पे जब आप पॉलीगन में आप क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे साइड्स आपको बता रहा होता है कि कितने साइड्स आपने रखने हैं और उसका रेडियस कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ से रेडियस भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे रेडियस चाहिए 2 इंचेस का रेडियस चाहिए और साइड 6 साइडेड चाहिए पॉलीगन, तो ये यहाँ से जो है इसका रेडियस और 6 साइडेड पॉलीगन हमारे पास आ गया। अगर आप किसी यानी कम साइड का पॉलीगन बनाना चाहते हैं तो आप पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे अब अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हो सॉरी ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो ये यहाँ पे आप 3 को आप साइड्स रखोगे और यहाँ पे ओके करके यहाँ पे इस तरह आप ट्रायंगल भी आप बना सकते हैं। और इस तरह साइडेड अगर ज़्यादा चाहिए तो आप वो भी आप ज़्यादा साइडेड आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 8 साइड उसका पॉलीगन चाहिए
तो ये यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ में छोटा कर लेता हूँ ताकि प्रोपोर्शनली छोटा हो, और बी को प्रेस करते हुए आप सिलेक्शन टूल को ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप इस तरह शेप्स जो है हम ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक कलर का स्ट्रोक नजर आ रहा है, इसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? यहाँ से आपको फिल कलर दिखाई दे रहा है जब ये ऊपर है, और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है स्ट्रोक का कलर। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे ग्रेडियंट है, यहाँ पे नन है। तो नन पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसका जो स्ट्रोक कलर है वो हाइड हो जाता है, यानी स्ट्रोक कलर हट जाता है। और यहाँ से आप जब आप फिल कलर आप पे क्लिक करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। तो इसके डबल क्लिक आप करेंगे इस थंबनेल पे तो आपको ये कलर पिकर आपको आ जाएगा, और यहाँ से आप अपने जो फेवरेट कलर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं सिलेक्शन। तो इस तरह आप शेप टूल को यूज कर सकते हैं, और इसमें स्टार टूल भी है। स्टार टूल आप क्लिक करके सेम आप रेडियस 1 एंड 2 आप दे सकते हैं, क्योंकि स्टार में 2 रेडियस होते हैं। तो आप इस तरह साइड 5 होती है तो आप करके स्टार आप बना सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो इस तरह आप स्टार टूल भी यहाँ पे मौजूद है, इसमें आप स्टार में साइड ज्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 8 अगर हम साइडेड करें तो इस तरह का आपके पास शेप आ जाता है, जो कि आप डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलीगन टूल में कोई भी आप इस तरह साइड दे सकते हैं, और इसी तरह स्टार में भी आप साइड चूज कर सकते हैं कि कितने साइड्स हो और कितना उसका रेडियस। रेडियस तो कोई भी, यानी आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं इसको सिलेक्शन टूल से। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने सिलेक्शन टूल का आपको पर्पस बताया कि सिलेक्शन टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से हम किसी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल से हम किसी शेप को स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं, उसको हम रोटेट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ कि ये जो सीसी वर्जन में ये जो आपको कॉर्नर्स पे ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो ये सीसी वर्जन में है, जो सीसी एडोबी फोटो इलस्ट्रेटर का जो सीसी वर्जन है, मेरे ख्याल में 17 में या 16 में ये आया था, 17 या 16 वर्जन में। तो अब यहाँ पे जब आप सिलेक्शन टूल को लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इस पे मैं सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ तो ये देखो कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाते हैं। तो इस तरह आप इजीली सीसी वर्जन में यहाँ पे ये राउंड कॉर्नर आप इजीली आप बना सकते हैं किसी भी शेप को। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ और इसको भी मैं इस तरह राउंड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉर्नर जो है इसके राउंड हो गए। अब इसका कलर आप यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और इसका जो है मैं जो स्ट्रोक कलर है इसको मैं खत्म कर लेता हूँ। तो इस तरह हमारे पास एक शेप बन गई है।
अच्छा, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या मैंने आपको पढ़ाया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, क्योंकि अभी आज जो हमने पढ़ना था वो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह जो अगला क्लास होगा वो हम कल स्टार्ट करेंगे इसी टाइम पे, तो उसमें इंशाल्लाह हम मज़ीद पढ़ेंगे। हम आगे टूल पे जाएंगे कि कौन कौन से टूल जो ज़रूरी होते हैं बेसिक्स सीखने के लिए वो हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में आप सीख पाएंगे कि आप कैसे इलस्ट्रेटर पे काम कर सकते हैं। और जब आप इन्हें इलस्ट्रेटर सीख जाएंगे तो इलस्ट्रेटर का बहुत स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि इलस्ट्रेटर पे काम करते हुए आप डिफरेंट लोगोस डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड वगैरह, जो भी वेक्टर डिज़ाइनिंग होती है तो आप उसे इलस्ट्रेटर पे क्रिएट कर सकेंगे। और इसमें बड़ी बात यह है कि जब आप काम करना सीख जाएंगे तो उसमें आप एक यानी अच्छा खासा जो है पैसे कमा सकते हैं उस पे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप आजकल बहुत है और ख़ासकर लोग ज़्यादातर इलस्ट्रेटर भी यूज़ करते हैं इस डिज़ाइनिंग के लिए। तो आप इसका बेसिक सीख जाए और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसमें आप आपको सीखने का हर रोज़ाना है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या किसी के लिए काम करोगे तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा हर दिन, हर रोज़, यानी आपको सीखने को मिलेगा जब आप काम करते रहेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो आप ये वीडियो जो है आप दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि वो भी इस पेज पे बुलाए अपने दोस्तों को, ताकि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाह रहे हैं, जब इलस्ट्रेटर सीखना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाए और उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो हम इंशाल्लाह क्लास हम स्टार्ट करेंगे कल से। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी और कुछ हमने टूल पढ़े बेसिक से, ठीक है। तो कल इस टाइम पे हम फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को बुलाएं और ताकि वो भी ज्वाइन करें हमें। और जो इस क्लासेस का मकसद है कि जिसको इलस्ट्रेटर नहीं आता वो सीख जाए इलस्ट्रेटर और वो भी कुछ पैसे कमाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।